में एक मैं रहता था, लेकिन जो परिवर्तन देखा है वो परिवर्तन के द्वारा हुआ है। तो धन्यवाद दे दिख दिया, यहाँ मैं बात दे दिख दिया, जो अच्छा काम करता है मूर्छा के काम करते हैं साथ प्रधान बार बार क्यों आता है। मैं आप सबने बताया, मैं भी उसी तरीके जानता हूँ कि फाइल जहाँ जाती थी, फाइल जहाँ जाती थी उस फाइल के पीछे पीछे जटिया साहब एक मिनट से जाता था, एक किलर के सामने खड़ा होता था। यही बात है, मिनिस्टर की याद नहीं आती, ये मिनिस्टर थे, इनका काम याद आता है, उनके काम के कारण आज हम यहाँ बैठे हुए, ये शकल दिखाई देती है, ये समिति के कारण वो सब इनका योगदान है, इनकी कृपा है, इनकी वजह है। क्या कृपा नहीं, ये समाज के महत्व को जानते थे, के बाबा साहब के कार्य को जानते थे, बाबा साहब ने क्या 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 काम किए, क्या 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 कष्ट किए, ना उन्होंने अपना घर देखा, ना अपने बालक देखे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा मैं तेरे करोड़ ये भी हमारे बच्चे हैं। बाबा साहब क्या कहते थे, तेरे करोड़ ये जो है बच्चे हमारे हैं। उसी तरीका से ध्यान छोड़ा, बच्चे छोड़े, जो समाज का काम होता है बड़ा, वो बड़ा काम होता है, महत्ती काम होता है। मैं पुनः इस समिति को बधाई देता हूँ। एक मिनट छोड़ जाऊंगा, आप बहुत साधारण बात नहीं है, बता भी चुके हैं सब लोग, अब मैं पूर्णवर्ती एक मिनट की कर रहा हूँ। हमारा संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, ये कैसे होगा, क्या होगा, उनकी पूरी शक्ति है। कल मैंने कहीं रेल से पता लगाया है 1.5 लाख व्यक्ति जो है आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो 1.5 लाख सही है, उनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, 1.5 लाख सही है, वो 1.5 लाख के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तो सावधान रहना है, संविधान जा रहा है, आरक्षण जा रहा है, केवल दो तीन बातें हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बहुत बार बार दी जाती है, पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हम उसमें चलते हैं। बहुत चीज बातें की है, शिक्षित बनो, बनाओ संचित रहो और मान संघर्ष करो। मैं जो हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े हैं, संगठन में नहीं बड़े हैं, माफ करिए, मैं यहाँ 21 साल तक बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली का सबसे पहला प्रधान जाल में अपनी जाति मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, यही क्षेत्र में है, इसके लिए बाबा साहब की बात ही काम आएगी। शिक्षित बनो, बनाओ संगठित रहो और जिस साथ हम संघर्ष you